पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। अल्लू ने छोड़ा सबको पीछे, पुष्पा के सामने फेल हुआ बॉलीवुड। अल्लू अर्जुन का धमाका इस बार काफी बड़ा धमाका था। इन हालातों में अल्लू अर्जुन ने वो कर दिखाया जो अब तक कोई भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से नहीं कर पाया है। पुष्पा फिल्म को रिलीज कर अल्लू अर्जुन ने अपनी काबिलियत लोगों को दिखा दी है। कोविड-19 के चलते अल्लू अर्जुन ने पुष्पा फिल्म से जो कलेक्शन किया है वो पिछले साल में अब तक कोई नहीं कर पाया, यानी कि 2021 में फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह अल्लू अर्जुन साबित हुए हैं। 2021 में कई फिल्में रिलीज हुई लेकिन अल्लू अर्जुन ने सभी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सभी फिल्मों को पीछे कर दिया है और इस बार उन्होंने ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी हुकूमत जारी रखी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वो एक ऐसे स्टार रहे हैं जिन्होंने अब तक की 2021 में रिलीज हुई फिल्मों में से ज्यादा कलेक्शन किया है। सूर्यवंशी, मास्टर, वकील साहब, 83 और अंतिम जैसी कई फिल्में रिलीज हुई लेकिन अल्लू अर्जुन ने उन सभी को पीछे कर कलेक्शन के मामले में रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आपको बता दें तो पुष्पा फिल्म ने 14 दिनों में अप्रॉक्सीमेट 234 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। हालांकि एक्सपेक्ट तो ये भी किया जा रहा है कि 14 दिन का कलेक्शन 270 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है, यानी कि 2021 में अल्लू अर्जुन को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। और बात करें हालिया दिनों की तो इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये फिल्म जल्द ही OTT पर भी अलग अलग भाषाओं में रिलीज की जाएगी। बात करें ये फिल्म की तो ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना लीड रोलों में देखने को मिले हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन बेहद ही देसी अवतार में नजर आए हैं। तो दोस्तों OTT पर ये फिल्म को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो वो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर जरूर बताएं।